हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये सर्कल बनाना सीखा था। आज मैं आपको इसका ये फ्लावर ये बनाना सिखाऊंगी। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगी येलो कलर की वूल। उसके बाद हमें ये बीड्स चाहिए जो हम इसके सेंटर में लगाएंगे फ्लावर के, ठीक है। इसके साथ हमें ग्रीन कलर चाहिए। और अभी हमने ये अपना सेंटर वाला पार्ट स्टार्ट करना है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। मैजिक सर्कल बनाने के बाद आपने थ्री चेन लेने हैं, 1, 2, 3। अब इस सर्कल में हम 15 जो हैं वो डबल क्रोशेट बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। इस तरह से 15 डबल क्रोशेट लेने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। फिफ्टीन क्रोशेट बनाए हमने, इसको धागे को खींच के हमने इसको टाइट कर लिया। अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच हमने ले लिया। दोबारा से थ्री चेन लेंगे, सॉरी सिक्स चेन बनाएंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स चेन लेने के बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशेट लेंगे इस तरह से। दोबारा से सिक्स चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर सिक्स चेन जी। तो हमने इस तरह से ये लास्ट वाला बना लेना है। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। फ्रेंड्स, ये हमने 8 बनाए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पेटल्स इसकी जो है वो बनेंगी। अभी हमने क्या करना है कि नेक्स्ट जो है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट लेंगे, 1, 2। 2 सिंगल क्रोशेट लेने के बाद हम 6 चेन दोबारा से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर उसी में हम डबल क्रोशेट दोबारा से बना लेंगे इस तरह से जी। इस तरह से हमने डबल क्रोशेट उसी स्टिच में उसके साथ बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम 2 चेन जो है वो स्किप करके थर्ड वन में
हम दोबारा से डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर थ्री चेन लेंगे, 1 2 3 और डबल क्रोशेट सेम स्टिच में बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन वंस अगेन, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड वन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। वन टू थ्री चेन डबल क्रोशेट इनटू द सेम चेन, 2 चेन 2 चेन स्किप, 1 2 थर्ड वन में हम दोबारा से डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन और डबल क्रोशेट सेम चेन में हम बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स इसी तरह आपने फर्स्ट वन डबल क्रोशेट लेना है, फिर थ्री चेन बनाने हैं और डबल क्रोशेट उसी स्टिच में लेने के बाद आपने 2 चेन करने हैं और 2 चेन इधर से स्किप करके फिर थर्ड वन में वही मेथड आप दोबारा रिपीट करेंगे, डबल क्रोशेट 3 चेन और फिर उसमें दोबारा से ये डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने अपना पूरा ये जो राउंड है वो कंप्लीट किया है। अब हम 2 चेन उसी तरह से लेके तो इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ लास्ट वन में, ज्वाइन करने के बाद आपने 3 चेन लेने हैं, 1 2 3 और इसमें आपने 8 जो हैं वो डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद आपने 1 चेन लेना है। चेन के बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट हमने बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशेट लेंगे इस तरह से और इसके बाद फिर दोबारा 1 चेन करेंगे। 1 चेन के बाद हम नेक्स्ट ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं 2 इसके सेंटर वाले पार्ट में हम उसी तरह से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट सॉरी 1 चेन सिंगल क्रोशेट, उसके बाद 1 चेन और फिर नेक्स्ट में हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये राउंड इसी तरह हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जी इस तरह से हमने अपने ये सारी पेटल्स जो हैं ये कंप्लीट की हैं। उसी तरह से 1 चेन करेंगे, सेंटर में सिंगल क्रोशेट, 1 चेन और इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे इस तरह से। जी कट करने के बाद हम इस तरह से ये देखिए ये इन दोनों को आपस में इस तरह मिलाएंगे और इसका ये जो सेंटर में सिंगल क्रोशेट हमने लिया था वहाँ से हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये जो धागा हमने काटा था उसके साथ, फिर दोबारा से नेक्स्ट इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से और इनको भी ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए इस तरह से लिया
और ये सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से। ये हमारी 3 पेटल्स बन गई हैं, बाकी भी सारी पेटल्स इसी तरह हमने बनानी है जी। इस तरह से हमने सारी पेटल्स देखें इसकी कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हमने क्या करना है कि ये जो थ्रेड हमने छोड़ा था इसके अंदर हम ये बीड जो है ये डालेंगे। जी इस तरह से हमने इसके सेंटर में ये बीड लगाना है और इसको नीचे की तरफ टाइट कर देना है। इसकी मजबूती के लिए हम एक स्टिच और ले लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। ये इस तरह से अभी हम ये इसकी बैक साइड देखें। इस तरह से ये एक छोटा थ्रेड हमने छोड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक दूसरा दो थ्रेड है। अभी हमने क्या करना है कि इसको हमने टाइटली बांधना है। इस तरह से नॉट लगा लेंगे। एक और लगा देते हैं और हम एक्स्ट्रा जो धागा है वो काट देते हैं। इस तरह से ये हमारे पास तार है। अब हम इसकी नेक्स्ट पैटर्न्स जो हैं ये वाली पैटर्न्स जो है इसके साथ कैसे बनानी है अब हम वो सीखेंगे जी। अब इसकी बैक साइड देखें, आपको ये हर पेटल के साथ ये चीज़ नज़र आ रही होगी। इन इसमें हमने इसकी नेक्स्ट जो है वो पेटल वो बनानी है। तो हम ये शुरू करेंगे इस तरह से। साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमने 10 जो हैं वो चेन बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चेन हमने बनाए हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से हम 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये चीज़ बनेंगी। अब 3 चेन 1, 2, 3 इसको हम फिंगर की मदद से ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और ये फर्स्ट जो हमने 3 चेन लिए हैं इसको 1 कंसीडर करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशेट बनाए। उसके बाद 3 चेन 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से 10 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन एंड टेन। इस तरह से ये हमारी पेटल जो है वो बन गई है। इसके बाद हमने क्या करना है कि टू चेन हमने लेने हैं, वन टू, और नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट पेटल है उसके सेंटर में हम इस तरह से स्टिच लेंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर टेन चेन दोबारा से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसी तरह से हम वन टू स्किप करेंगे, थर्ड वन में हम सिंगल क्रोशेट लेंगे और टेन जो है वो सॉरी पहले थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, और टेन डबल क्रोशेट बनाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, थ्री चेन, वन टू थ्री, और दोबारा से डबल क्रोशेट लेंगे, टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू चेन, एंड नेक्स्ट क्रोशेट, और फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे। ये इस तरह से ये देखें टू पेटल्स हमारी रेडी हो गई हैं, हमने सारी इसी तरह से कंप्लीट करनी है जी। इस तरह से हमने अपनी सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं, और ये देखें टू चेन करने के बाद ये जो लास्ट वन है उधर ही हमने इसको जॉइन करना है, इधर स्लिप स्टिच ले लेंगे हम और इस तरह से हम फिनिश कर देंगे इसको। ये आपकी पेटल्स इस तरह आएंगी, ये काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फ्रेंड्स अंदर भी हमने एट पेटल्स कंप्लीट की थी, और ये जो बाहर हमने बनाई है ये भी एट है। अब हमने इसकी आउटलाइन बनानी है इन पेटल्स की, तो उसके लिए हमें ये डिफरेंट कलर यूज़ करना है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो पेटल है यहाँ से हम ये स्टिच लेंगे, सिंगल क्रोशेट यहाँ पे बना लेंगे, जी अभी हमने क्या करना है, ये आपको चेन नज़र आ रहे हैं यहाँ से बैक साइड से, और ये नेक्स्ट इस तरह से करके हम तो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, इसकी ये आउटलाइन बनाएंगे। दोबारा से देखें ये बैक साइड से हम इस तरफ आए हैं, और फिर नेक्स्ट में से पीछे की तरफ जाके इस तरह हमने स्टिच लेना है।
फ्रेंड्स ये आप गौर से देखें, ये फिर इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये देखें इस तरह, और फिर नेक्स्ट वाले में से हम बैक चलेंगे, यहाँ से ये, और सिंगल क्रोशेट हमने इस तरह बनाया। इसकी आउटलाइन बनाने से एक तो ये है कि ये आपकी पेटल जो है ये सीधी रहेगी, ये फोल्ड नहीं होगी, और दूसरा ये खूबसूरत लगेगी। यहाँ तक बनाने के बाद ये जो इसका हिस्सा है, यहाँ पे हम इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे दो, ये टू हमने सिंगल क्रोशेट बना लिए, इसके बाद टू चेन, वन टू, और दोबारा से टू सिंगल क्रोशेट इसके अंदर बनाएंगे, ताकि इसकी ये इस तरह से नोक बन जाए। नेक्स्ट साइड पे उसी तरह से हम बैक चले जाएंगे और सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, और देखें अब के नेक्स्ट जब हमने पेट्रोल के साथ ज्वाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। लास्ट वन भी कंप्लीट करने के बाद ये आपकी एक पेट्रोल कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में आपने जाना है तो उसके लिए इस तरह से बैक साइड से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे पहले, और फिर वही मेथड इस तरह से हम स्टिच लेते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने अपनी सारी पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। अभी हम इसको उसी तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया और इसको कट कर देंगे। यहाँ तक हमारा स्टार कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसकी ग्रीन लीव जो हमने बनाने हैं वो स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ये इसके ग्रीन लीव्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं, तो ये जो पेटल का ये जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये दोबारा से देखें इस तरह से, सिंगल क्रोशेट हम बना लेंगे ताकि मजबूती रहे।
तरह से जैसे हमने पहले चेन बनाए थे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन टू स्किप करेंगे नीचे से और थर्ड वन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फ्रेंड्स ये मेथड वही है जो हमने येलो लीव्स बनाई थी, 3 चेन लेके और 10 डबल क्रोशेट इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 चेन बनाएंगे और 10 जो हैं वो डबल क्रोशेट दोबारा से बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 10 बनाने के बाद हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो पेटल है ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हम नेक्स्ट अपनी ग्रीन पेटल स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशेट लिया हमने और फिर दोबारा से 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अपनी नेक्स्ट पेटल जो हम बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से जैसे हमने येलो बनाई थी और उसकी आउटलाइन बनाई थी, आपने ये ग्रीन पेटल्स भी इसी तरह बनाते हुए जाना है। इसकी ये पेटल्स बनाने के बाद आउटलाइन बनाएंगे और ये अपना फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स तो ये हमने ग्रीन लीव्स बनाए हैं, मैंने ये आउटलाइन भी कर दी है इसकी। 3 पेटल्स मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने ये इसके साथ ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाह रही थी, ये देखें ये हमने फ्लावर इस तरह से ज्वाइन किया है, इसके ग्रीन लीव्स जो थे वो हमने यहाँ पे ज्वाइन किए। अब हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं, येलो निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसलिए ताकि ये बिल्कुल इक्वल आए। यहाँ से देखें ये सेंटर लीव, सेंटर वाला लीव जो हमने लगाना है वो इस जगह पे लगाएंगे। तो हम ये काउंट करते हैं कि आया ये बिल्कुल उसके बराबर आएगा या नहीं। ये देखें ये स्ट्रिप यहाँ से, अब हम ये काउंट करें ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रिप्स हैं इनको, ये देखें 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 इधर हैं। और अब यहाँ से हम इस तरफ काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये निशान हमने ठीक लगाया है। और इसके बाद ये जो अनदर 2 लीव्स हैं उसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो अभी हम लीव्स को ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमने हाफ लीव जो है उसकी ये बॉर्डर लाइन जो हम बना रहे थे वो बनाई है। अब हम यहाँ से 2 चेन करने हैं, उसके बाद ये वाला जो सिंगल क्रोशेट हमने 2 लेने थे वो यहाँ जब जहाँ पे हमने मार्क लगाया है यहाँ पे इसके सेंटर में ये निशान हम हटा देते हैं। ये इस तरह से हम 6
सिंगल क्रोशेट बनाएंगे दोबारा से। तो सिंगल क्रोशेट के साथ हम ये जॉइन कर देंगे लीव इसके साथ, और फिर उसी तरह से नेक्स्ट अपना ये जो बॉर्डर लाइन हम बना रहे थे उसकी आउटलाइन कह लें, बॉर्डर लाइन कह लें, ये कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से लीव कंप्लीट करने के बाद जी नेक्स्ट लीव की तरफ उसी तरह हम इसको ज्वाइन करेंगे। पहले इसका हाफ जो हिस्सा है वो हम बना लेंगे, जब हम कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो फिर उसको सर्कल वाले हिस्से के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हाफ साइड कंप्लीट करने के बाद जब आप इसके कॉर्नर पे पहुंचेंगे, ये जो सेंटर वाला इसका पार्ट है उसी तरह से टू सिंगल क्रोशेट, टू चेन, और नेक्स्ट जो टू सिंगल क्रोशेट आपने बनाने हैं वो यहाँ पे हमने ये जो निशान लगाया था यहाँ पे सेंटर पे हम इसके साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे। धागा मैं निकाल देती हूँ। इस तरह हम उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। टू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ जॉइन हो जाए। ये टू लीव्स हमने इस तरह जॉइन कर दी हैं इसके साथ। अभी नेक्स्ट फिर इसी तरह से हम ये कंप्लीट करते हुए थर्ड लीव की तरफ जाएंगे। ये याद रखना फ्रेंड्स, जब थ्री लीव्स आपके रह जाएं आप इसका बॉर्डर लाइन बना रहे हो, आउटलाइन बना रहे हो, तब आपने वो छोड़ देने हैं ताकि आप इसको वाइट वाले पार्ट के साथ ज्वाइन कर सकें। पहले आपने निशान लगा लेने हैं, उसके बाद आपने बारी बारी तीनों लीव्स जो हैं वो जोड़ देने हैं। ये हमारा सेकंड लीव जो है ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लीव की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे ये लास्ट वन लीव है हमारा।
जी फ्रेंड्स, दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और टू चेन। उसके बाद ये लास्ट वाला हमने लीव ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमने निशान लगाया, इसके सेंटर में से इस तरह हम ये इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम। 1 and 2 सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से हम अपना ये लीव कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस तवज्जो की ज़रूरत है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आप यकीनन बना सकते हैं। ये हमने लीव कंप्लीट किया अपना। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। इस तरह से ये हमने लीव्स जो हैं वो अपने इसके साथ जॉइन किए। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाइट लीव्स जो हैं ये किस तरह बनाने हैं और इसके साथ जॉइन करने हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। जी, अभी हम वाइट लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम 15 चेन बनाएंगे। सबसे पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 13, 14, 15 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे ये इस तरह से फर्स्ट वन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से ये पूरी रॉ जो है इसी तरह से
जी, इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट की सिंगल क्रोशेट के साथ। जब ये लास्ट हम यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने टू चेन्स बनाने हैं और फिर हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे इस तरह से, और वहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ तक आपने बना लिया सिंगल क्रोशेट। जब लास्ट वाले दो रह जाएंगे बाकी, तो उनको आपने इसी तरह छोड़ देना है। फिर आपने एक चेन लेनी है, उसके बाद इसको टर्न करना है और फिर वापस हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। लेकिन करना हमने क्या है कि हमने इस तरह से स्टिच नहीं लेना, हम उसी तरह से जैसे मैंने बताया था इसकी बैक साइड वाला जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये दो हमें नज़र आ रहे हैं, हमने इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाना है। दोबारा से देखें, ये इस वाले में से इस तरह सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप इधर यहाँ पे आएंगे, उसी तरह से आपने टू चेन बना लेनी है और फिर ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, अभी फिर ये देखें, हम लास्ट पे आए हैं। जैसे हमने इस साइड से ये दो स्टिच हमने छोड़ दिए थे, इसी तरह से हम ये दो स्टिच छोड़ेंगे, एक चेन बना लेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देंगे।
जब भी आपने लास्ट पे पहुंचना है तो एंड वाले दो स्टिच जो हैं वो आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद एक चेन बनानी है और जब आपने यहाँ पे सेंटर पे पहुंचना है तो फिर आपने टू चेन दोबारा से लेने हैं ताकि ये इधर से लीव जो है वो आपका बढ़ता रहे, साइड से भी ये बढ़ेगा और फिर इसकी लेंथ भी इस तरह से बढ़ जाएगी। जी फ्रेंड्स देखें, अब ये टू स्टिच हमारे रह गए हैं, फिर हम सिंगल चेन बना लेंगे और इसको यू टर्न करेंगे, अपना नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर हम दो चेन बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे इसको। लास्ट वाले फिर हमने दो स्टिच छोड़ने हैं, सिंगल चेन बनानी है, टर्न करना है इसको और नेक्स्ट राउंड कंटिन्यू करना है। ये दो स्टिच जो हम लास्ट पे छोड़ रहे हैं ये इसलिए कि ये देखें इसके कॉर्नर्स इस तरह से, लीव्स के जो कॉर्नर होते हैं ये इस तरह से बनेंगे। लास्ट पे आगे हम, सॉरी लास्ट नहीं है, मिडल है इसका। यहाँ पे फिर हम टू चेन बना लेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टिच छोड़ देंगे हम, चेन वन टर्न,
इसी तरह हम ये कंप्लीट करेंगे। और ये जो लाइंस बन रही हैं ये हम फाइव लाइंस, देखिए 1 2 3 फाइव लाइंस जो हैं ये हम कंप्लीट करेंगे जी। इस तरह ये देखिए हमारी लाइंस है 1 2 3 4 और ये लास्ट वन फाइव जो है ये तकरीबन बन गई है। अभी हमने क्या करना है इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से। अभी हमने इसको अपने इस तार के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और टू सिंगल क्रोशेट हमने ले लिए इसके साथ। अभी हम अपना ये राउंड इस तरह से इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। जी जब यहाँ पे हम आएंगे इस लीफ को, पहले हमने इसका ये वाला कॉर्नर इसके साथ ज्वाइन किया, अभी हम ये फ्लावर है जो इसका यहाँ पे ये जो लीव है इसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशेट। अनदर सिंगल क्रोशेट ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इस तरह से बैक साइड। अभी हम यहाँ से ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से लास्ट वाले टू स्टिचेस हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम ये कट कर देंगे इसको। ये एक लीफ हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये देखिए अभी नेक्स्ट लीफ हम बनाएंगे, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट लीव रेडी करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिंगल क्रोशेट। फ्रेंड्स इस तरह पहले मैंने लीव आपको सिखाया, अभी सेम उसी तरह उसी पैटर्न के साथ ये लीव जो है वो रेडी होगा। और फिर मैं
आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने ये सेकंड लीव जो है वो उसके साथ फर्स्ट वन के साथ जॉइन करना है। जी ये सेकंड लीव भी मैंने बना ली है इस तरह से। अभी हम देखेंगे कि हम इसको इस लीव के साथ किस तरह जॉइन करेंगे। तो हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। इस तरह से जहाँ पे कॉर्नर हमने बनाया था सेकंड वाला, उसमें से हम स्टिच लेंगे। दोबारा से और फिर एक स्टिच और इसके साथ बना लेंगे। दो स्टिच हमने ले लिए। उसके बाद फिर ये राउंड जो हमने किया हुआ था स्टार्ट, ये आप कंप्लीट करेंगे। साथ में वो जो एक्स्ट्रा धागा है वो भी आप इस तरह से उसको कवर करते जाएं ताकि वो एक नीट लुक आ जाए उसकी। हमने कॉर्नर के साथ कॉर्नर जो है वो जॉइन इस तरह से किया। अभी हम लीव के मिडल तक इसी तरह हम जाएंगे। जी यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से स्टिच लिया और फिर ये जो नेक्स्ट लीव है ग्रीन लीव, ये पहले हमने इस लीव में इसको जॉइन किया। अब उसके साथ जो लीव है नेक्स्ट वन, हम उसमें ये इस तरह से जॉइन कर देंगे इसको सिंगल क्रोशेट के साथ। एक और स्टिच लेंगे नेक्स्ट में से और फिर इसके साथ इसमें से जॉइन करेंगे ताकि मजबूती रहे। उसके बाद हम इसकी ये जो रॉ हमने स्टार्ट की हुई है इसी तरह हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट वन टू स्टिचेस हम छोड़ देंगे फिर इसको कट करेंगे। इस तरह से कट किया। जी हमने ये सेकंड वाला भी
लीव जो है इसके साथ ज्वाइन कर दी है हमने। टोटल जो है ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव लीव्स हमने कंप्लीट करने हैं। तो टू लीव्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट लीव जो हैं वो अपने बनाएंगे। लास्ट वन जो है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपने लीव्स जो हैं वो ज्वाइन करने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लीव बनाते हैं। अभी हम ये लास्ट वाला जो लीव है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी लीव्स मैंने बना के उसके साथ ज्वाइन कर दिए थे। उसी तरह से ग्रीन लीव के साथ यहाँ से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से लास्ट टू जो हैं स्टिचेस हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। सिंगल हमने चेन लिया, अब इसको इस तरह रख के देखें। ये देखिए हमारे लीव्स सारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसको लास्ट लीव को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो हम स्टिच लेंगे मजबूती के लिए। हम दो स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशेट लेंगे यहाँ पे। हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है धागा, इसको हम बैक साइड पे इस तरह से क्रोशिये के साथ यूँ नॉट लगा देंगे ताकि वो सामने से नज़र ना आए और नीट लुक आए इसकी। और एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमारा टेबल रनर रेडी हो गया है। जी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की खूबसूरत चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, आपको बनाना सिखाऊं।
और फ्रेंड्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप को ये पसंद आए तो उसमें ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।